यार इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इकोनॉमिक्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक से। जय श्री श्याम एवरीवन। अगर बेटा आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए हम थियोरेटिकल नॉलेज तो ले लेते हैं अपनी बुक से, हम जब भी कोई चैप्टर गो थ्रू करते हैं तो हमें थियोरी से रिलेटेड नॉलेज मिल जाती है, बट क्या आप उस नॉलेज को जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है क्या आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं रियल लाइफ में, ये चेक करने के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये चेक करने के लिए आते हैं बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टीचर ये जज कर पाता है कि क्या जो भी स्टूडेंट है वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है आपकी उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि 5 यूनिट्स आर देयर, तो यूनिट वाइज मैं बात करने वाली हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है 90+ स्कोर करने के लिए इकोनॉमिक्स में। देखिए बच्चा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आराम से 90 मार्क्स तक तो ले आते हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में ओवरऑल। तो चलिए बात करेंगे अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी हमारे यूनिट 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, विच इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड अग्रीगेट्स। रिलेटेड अग्रीगेट्स ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चे मैं बता दूं कि ये जो यूनिट है ये आपकी आने वाली है 10 मार्क्स की इन योर CBSE बोर्ड एग्जाम्स एंड इवन इन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। जैसे कि हम जानते हैं कि प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम की वेटेज कहीं ना कहीं क्या होती है, सेम होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी बेटा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हमारे यूनिट 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो कि है नेशनल इनकम and related aggregates and related aggregates। तो बच्चे ये जो यूनिट है आपके एग्जाम में आने वाली है पूरे 10 मार्क्स की। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड अग्रीगेट्स। देखिए आपने बहुत से क्वेश्चंस देखे होंगे, आपको बहुत सारी आइटम्स गिवन होती हैं लाइक सब्सिडी, रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, राइट, कि ये वाले आइटम्स को इंक्लूड किया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम और नॉट। ठीक है, सो ऐसे वाले क्वेश्चंस जिसमें कुछ आइटम्स दे रखी होती हैं और आपसे पूछा जाता है वेदर द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड for calculating national income or not। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशली इसमें बहुत सारी आइटम्स, सारी की सारी आइटम्स इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कार लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इसको इंक्लूड किया जाएगा यानी वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। दूसरा मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि प्रोफेशनल्स को जो फीस देता है एक कंपनी वाला फॉर टेकिंग देयर प्रोफेशनल सर्विसेज, उसे इंक्लूड किया जाएगा या नहीं, फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, फॉर एग्जाम्पल फीस पेड टू द चार्टेड अकाउंटेंट बाय द कंपनी, फीस पेड टू द लॉयर बाय द कंपनी, तो इनको इंक्लूड किया जाएगा या नहीं फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम और नॉट। ऐसे ही कुछ आइटम्स आपको देकर पूछा जाता है कि बताइए कि इनको इंक्लूड किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा या नहीं फॉर कैलकुलेटिंग द डोमेस्टिक इनकम और नॉट। ठीक है, सो जैसे ये पूछा गया है वैसे ही डोमेस्टिक इनकम और नॉट के लिए भी पूछा जाता है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं, दैट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग द डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री और नॉट। फॉर एग्जांपल, ब्रांच ऑफ एसबीआई इज अर्निंग प्रॉफिट इन अमेरिका, ओके, ब्रांच ऑफ एसबीआई लोकेटेड इन रशिया is earning profit, whether the profit would be included in domestic income of India or not। ठीक है, और या फिर income earned by Russian embassy in India, तो बताइए कि ये जो income है जो Russian embassy अर्न कर पा रही है इंडिया के अंदर, उसे इंक्लूड किया जाएगा इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में या नहीं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा जीडीपी के ऊपर। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आएंगे कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पर, एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। जैसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आएंगे कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को इंडिया में, तो बताइए कि इससे इंडिया की जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर भी क्या इफेक्ट इस चीज़ का पड़ेगा, राइट। तो हम आंसर कैसे देंगे बेटा इस चीज़ का? आंसर इस तरीके से देंगे कि गवर्नमेंट ने क्योंकि बैन कर दिया है एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को, राइट, तो इससे क्या होगा, एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी इंडिया में, और क्योंकि एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कम होगी तो इससे ओवरऑल आउटपुट of goods and services in the economy will decrease, so GDP of India will also decrease। और welfare create होगा लोगों का, क्योंकि जो लोग पहले alcoholic products consume कर रहे थे और अपनी health को बिल्कुल ख़राब कर चुके थे, अब उन्हें alcoholic products available नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे उनकी जो health है वो improve होना शुरू हो जाएगी, तो welfare will increase। ऐसे अनदर एग्जाम्पल है लाइक गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया सिगरेट्स के ऊपर, तो बताइए कि इंडिया की जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और साथ में ये है कि जो सेल है डीजल कार्स की वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे इन इंडिया, तो बताइए कि इससे इंडिया की जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और साथ में लाइक अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस किए हैं फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द पुअर पीपल, तो बताइए कि इससे इंडिया की जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या वेलफेयर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दी है, आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दी है एंड एज पर दैट स्टेटमेंट आरबीआई ने बोला है द जीडीपी ऑफ इंडिया will increase by 40% in the year 2025। तो बताइए कि इससे इंडिया का वेलफेयर इंक्रीज होगा या नहीं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है या नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर नेशनल इनकम, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट पे, विच इज़ यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एंड बैंकिंग में मनी क्रिएशन से रिलेटेड जो मनी क्रिएशन प्रोसेस है, मनी क्रिएशन प्रोसेस है कमर्शियल बैंक्स का, उससे रिलेटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि लोगों ने सेविंग्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है, लोग अब प्रेफर कर रहे हैं कि अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे, ठीक है, ताकि उनकी सेविंग्स इंक्रीज हों। तो इससे मनी क्रिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है, आपको टेबल बनाकर दिया होता है, ठीक है, जिसमें राउंड्स होते हैं, राउंड्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड टोटल, ओके। यहाँ पर डिपॉजिट्स, यहाँ रिजर्व रेशो, यहाँ पर लेंडिंग और यू कैन से लोन्स, ठीक है। इस तरीके से गिवन होता है और आपको दे दिया, लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट है, ठीक है, तो 90,000 की लेंडिंग है। तो अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, कि बताइए रिजर्व कितना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 90,000 आ जाएगा, तो अब यहाँ पर 9,000 है, तो अब बताइए यहाँ पर क्या है, ठीक है, इस तरीके से। फिर लास्ट के टोटल्स में भी आपको बताना है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू मनी क्रिएशन प्रोसेस और यू कैन से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड फ्रॉम द यूनिट मनी एंड बैंकिंग। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड यूनिट की, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके टॉपिक इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप से, आपसे कहीं बार ग्राफ बनाकर दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये जो चीज़ हाईलाइट की गई है ग्राफ में वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्राफ, राइट, ओरिजिन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस and here we have AS, here's the effective demand, और ये आपको डॉटेड एक और एग्रीगेट डिमांड दे रखी है जो कि है एक्चुअल एग्रीगेटिव डिमांड, ठीक है। अब ये ऐसे आपको हाईलाइट किया होगा कि बताइए ये क्या है, ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि दो टूल्स बताइए जिससे जो ये चीज़ डिनोट हो रही है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं ये इन्फ्लेशनरी गैप है ना, आप लिखोगे कि ये इन्फ्लेशनरी गैप है, राइट। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्सप्लेन एनी टू टूल्स टू कंट्रोल इट। तो फिर आपको कोई भी ऐसे दो टूल्स बताने हैं जिससे इन्फ्लेशनरी गैप को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम द यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट जो कि हमारी 4th यूनिट है, 6 मार्क्स की ये यूनिट है ओवरऑल, ठीक है, 6 मार्क्स की CBSE बोर्ड एग्जाम में आ जाती है। तो अब इसमें कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखो बेटा, इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कैसे पूछे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड कर रही है टू द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो बताइए कि गवर्नमेंट ऐसे करने से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट को अटेन करना चाहती है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अंडर उज्ज्वला स्कीम गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी सिलेंडर्स टू द पुअर पीपल। तो अब बताइए कि गवर्नमेंट इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट को अटेन करना चाह रही है, अचीव करना चाह रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पे हॉट क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। दूसरा, आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ आइटम्स दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि बताइए ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। मतलब कैटेगराइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट, बताइए कि ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है गवर्नमेंट की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, बताइए ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वन, सिमिलरली कैटेगराइजेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आपको दे दिए और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ कंप्यूटर्स बाय द गवर्नमेंट, इज इट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज बाय द गवर्नमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं गवर्नमेंट बजट में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत से बच्चों को लगता है कि गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। बेटा, गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स हैं भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है प्राइमरी डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट करें, रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट करें, फिस्कल डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड। ये 3 या 4 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं CBSE बोर्ड एग्जाम में, तो इनको स्किप मत करेगा, इसको ज़रूर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हमारे लाइव सेशंस में हमने गवर्नमेंट बजट की पूरी यूनिट बहुत अच्छे से कवर अप कर रखी है। इनफैक्ट इस पर वीडियोस भी डली हुई हैं हमारे चैनल पर, तो आप जल्दी से जाकर उसे चेकआउट कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पे अलग से वीडियो है और थियरी ऑफ गवर्नमेंट बजट को अलग से कवर अप किया गया है, तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर जाकर देखिए। तो इससे आप अपने न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छे से कवर अप कर पाएंगे गवर्नमेंट बजट का। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट यूनिट की, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब हम इसमें बात करेंगे कि किस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। तो बेटा, अगर मैं बात करूं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, तो एक तो रिकॉर्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिकॉर्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं? देखिए, रिकॉर्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कुछ आइटम्स देके, कुछ ट्रांजेक्शन्स देकर कि बताइए कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे BOP अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे BOP अकाउंट में। बोरोइंग्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे BOP अकाउंट में। तो इसमें आपको 2 चीज़ें बतानी होती है कि या तो कहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी, मतलब BOP कैपिटल अकाउंट में होंगी या BOP करंट अकाउंट में होंगी, और कौन से साइड पे होंगी, डेबिट साइड पे होंगी या क्रेडिट साइड पे होंगी। तो एक तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा आपको पूछा जाएगा इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी से रिलेटेड। इंडियन करेंसी, फॉर एग्जाम्पल अगर इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड इंक्रीज हो जाती है, तो बताइए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पर एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पर इसका क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, दूसरा अगर इंडियंस टूरिज़म बहुत ज़्यादा कंडक्ट कर रहे हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल इंडियंस को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ट्रिप मारने का, तो बताइए कि इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट पर एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूनिट में से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो जो क्लास 12th में है और प्रिपरेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर गाइज इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।